हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के मेरे वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ सुप्राडेन मल्टीविटामिन, जो कि एक बहुत बड़ी फेमस फार्मास्यूटिकल ब्रांड मार्केट कर रही है। आई एम नॉट से मैन्युफैक्चर, क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरर जो है वो अलग है और जो मार्केट कर रहा है वो अलग है। मार्केटिंग हो रही है फ्रॉम बेयर्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, विच इज़ अ बिग ब्रांड, पर इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पिरामल फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कर रही है। तो ये जो बेयर्स फार्मास्यूटिकल है और पिरामल फार्मास्यूटिकल दोनों अलग कंपनी है ना। ये जो मल्टीविटामिन है वो टैबलेट फॉर्म में आता है और इसकी जो प्राइस है वो बहुत ही कम है, इसलिए काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कहा कि इस प्रोडक्ट को भी रिव्यू करो, क्योंकि ऑफकोर्स प्राइस कम है तो स्टूडेंट्स जो है या जो ऐसे कस्टमर है वो आर प्राइस सेंसिटिव, राइट, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट हो जाता है। हम डिटेल्स में जाएंगे। मैंने एज ऑलवेज लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मेरे इस कंपनी को भी सेंड किए थे, उनके रिप्लाई आए। वी विल गो थ्रू दैट, वी विल कवर द न्यूट्रिशनल फैक्ट्स, यानी कितने वाइटामिन मिनरल्स हमें मिल रहे हैं, कौन से वाइटामिन मिनरल्स हमें नहीं मिल रहे हैं। वी विल लुक एट द क्वान्टिटी ऑफ ईच वाइटामिन एंड मिनरल्स, यानी कितने बेसिकली वी विल फोकस ऑन RDA एज वेल, क्योंकि कुछ पॉइंट्स है, ऐसे एक दो पॉइंट्स जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। बेसिकली मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा इस प्रोडक्ट के बारे में जो मैंने गैदर की है, बाकी डिसीजन जो है वो आपका है, वेदर आपको कंज्यूम करना है या नहीं है। और ये कंपनी मार्केट कर रही है इसे एज अ डेली मल्टी वाइटामिन, ठीक है, तो इट इज़ सपोज टू बी टेकन डेली, आई वुड से एज पार्ट ऑफ जनरल हेल्दी लाइफ स्टाइल, ठीक है। एक चीज़ जो अच्छी लगी मुझे इस ब्रांड की, इसकी इस ब्रांड ने भी अपने वेबसाइट पे अमेजोन पे भी मेंशन किया हुआ है कि ये जब मल्टीविटामिन आप लोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह यानी फूड से वाइटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, ये भी मेंशन किया हुआ उन्होंने। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, क्योंकि बहुत कम ऐसे ब्रांड्स हैं मल्टीविटामिन के जो ऐसा कहते हैं कि अपार्ट फ्रॉम अवर मल्टीविटामिन यू शुड ऑल्सो कंज्यूम फूड, यू शुड ऑल्सो कैट वाइटामिन और मिनरल्स फ्रॉम फूड, तो एक अच्छी बात है ये। और ये जो मल्टीविटामिन है इसके अंदर प्योर आपको वाइटामिन और मिनरल्स मिलने वाले हैं, कोई दूसरे हर्ब जैसे अश्वगंधा या कोई शतावरी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है इसके अंदर, ना ही आपको ओमेगा 3 मिलने वाला है, तो इट इज़ प्योर मल्टीविटामिन। और एक चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों, ये जो मल्टीविटामिन होते हैं ये आपकी डेफिशिएंसी को दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो डोसेज होता है जनरली वो लिमिटेड होता है, ठीक है, इट इज़ क्लोज टू 100% ऑफ योर डेली रिक्वायरमेंट। लेकिन आपको जब कोई स्पेसिफिक वाइटामिन की, जैसे बोल लो वाइटामिन डी या वाइटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, विच इज़ मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी, तो उस केस में आपको मल्टीविटामिन हेल्प नहीं कर सकता है, आपको डॉक्टर के पास जाना है पर्सनली, आपको डॉक्टर विजिट करनी है, ठीक है, दैट इज मस्ट। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई मेडिकल एडवाइस नहीं दे सकता हूँ, मैं जस्ट रिव्यू कर रहा हूँ ये प्रोडक्ट को बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव गैदर और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, डिसीजन आपका है। तो अगर आपको स्पेसिफिक फॉर एग्जांपल विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो आपको इसमें से जो विटामिन डी मिल रहा है वो अराउंड 400 इंटरनेशनल यूनिट्स है, विच इज क्लोज टू 100% ऑफ योर डेली रिक्वायरमेंट, ठीक है। बट अगर आपको डेफिशिएंसी है तो आपको बेस्ड ऑन कितना सीवियर डेफिशिएंसी है उसके हिसाब से आपको डॉक्टर डोसेजिंग देंगे, जो कि डेफिनेटली 400 या 600 इंटरनेशनल यूनिट्स से डेफिनेटली ज़्यादा होगा फॉर फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, ताकि आपका जो ब्लड लेवल है ऑफ दैट स्पेसिफिक विटामिन, विटामिन डी इस केस में, वो नॉर्मल लेवल पे आ जाए। तो मल्टीविटामिन जो है वो जनरल हेल्दी लाइफस्टाइल है, अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो या आप फिजिकल एक्टिविटी आपकी ज़्यादा है, जैसे जिम में वर्कआउट कर रहे हो, तो आपकी विटामिन्स और मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, वो जरा ज़्यादा होती है, उस केस में हमें मल्टीविटामिन इंक्लूड करना पड़ता है, क्योंकि फूड के थ्रू इनफ विटामिन्स और मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं। लेकिन उस इंसान को लेना चाहिए मल्टीविटामिन जिसकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, क्योंकि फिर उस केस में उसकी विटामिन्स और मिनरल्स की नीड ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल ऑफिस गोअर हो, ठीक है, तो आपको शायद कोई मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं, अगर आप अच्छे से इनफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स नट्स सीड्स वगैरह खा रहे हो, तो आपको फूड के थ्रू ही इनफ विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाएंगे, कोई मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं है। नाउ हम न्यूट्रिशनल प्रोफाइल पर ध्यान देते हैं, कौन से विटामिन्स और मिनरल्स हमें मिलने वाला है वो देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं वो विटामिन्स और मिनरल्स कवर करता हूँ जो इसके थ्रू आपको नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है विटामिन के जो इसके अंदर नहीं है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड योर बोन हेल्थ, क्योंकि जो विटामिन के है वो विटामिन डी के साथ मिलके आपके बोन हेल्थ के लिए काम करता है। फिर आयरन मिनरल जो है वो इसके अंदर नहीं है,
ठीक है, स्पेसिफिकली वुमेन्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वुमेन को जनरली डेफिशिएंसी होती है आयरन की, तो डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर करना बिफोर टेकिंग दिस मल्टीविटामिन, ठीक है, स्पेशली स्पेसिफिकली वुमेन। फिर इसके अंदर आयोडीन भी नहीं है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर थायराइड फंक्शन। अगर आपका जो सॉल्ट है वो आयोडाइज सॉल्ट है तो आप चेक कर सकते हो कि कितना आयोडीन आपको सॉल्ट के थ्रू मिल रहा है, एंड फिर आप देख सकते हो कि इसके अंदर से आयोडीन नहीं है, इज दैट ओके और नॉट फॉर योर स्पेसिफिक नीड्स। फिर इसके अंदर से जो विटामिन ई मिल रहा है वो 25 मिलीग्राम है, विच इज बिट लेस आई वुड से फॉर प्रॉपर अब्सॉर्प्शन। तो चलिए अभी देखते हैं कि कौन से विटामिन और मिनरल्स आपको मिलने वाले हैं, कितने क्वांटिटी में मिलने वाले हैं, कौन से फॉर्म में मिलने वाले हैं, एंड ऑफ कोर्स मैंने जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन कंपनी को सेंड किए थे उसमें मैंने ये पूछा था कि ये विटामिन और मिनरल्स जो इसमें से मिलने वाले हैं, आर दे सोर्स फ्रॉम फूड नेचुरली सोर्स्ड है या आर दे केमिकली मेड लैब मेड सिंथेटिक है। तो कंपनी ने रिप्लाई किया, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ऑल विटामिन और मिनरल्स इन दिस प्रोडक्ट आर सिंथेटिकली लैब मेड। तो पर्सनली मैं प्रेफर करता हूँ होल फूड मल्टीविटामिन, बट जैसे मैंने कहा बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, अगर आपको आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है, तो आप सिंथेटिक विटामिन इज ऑल्सो ओके, समटाइम्स दैट इज बेटर दैन होल फूड। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन योर लाइफ स्टाइल एज वेल, ठीक है। लेकिन जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आती सिंथेटिक वाले में वो है कि उसके अंदर फिलर्स, एडिटिव्स, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इस केस में मैंने इस कंपनी को भी पूछा था कि कोई फिलर्स, एडिटिव्स वगैरह इस्तेमाल हुए हैं, तो कंपनी ने रिप्लाई किया कि दे हैवंट यूज्ड एनी प्रिजर्वेटिव्स, लेकिन स्पेसिफिकली फिलर्स या एडिटिव्स के ऊपर मुझे कुछ रिप्लाई नहीं आया इस कंपनी का। मैंने फॉलोअप किया था लेकिन आई डिड नॉट गेट एनी स्पेसिफिक रिप्लाई फ्रॉम देम। अगर कुछ रिप्लाई आता है तो मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगा, पर आई फील कुछ अमाउंट ऑफ फिलर्स, एडिटिव्स इसमें यूज़ हुए होंगे क्योंकि ये है टैबलेट फॉर्म में ना कि कैप्सूल फॉर्म में। फिर भी आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे ज़रूर शेयर कर दूँगा। जो विटामिन ए है इसके अंदर वो एसिटेट फॉर्म में है, विच इज़ एन एक्सेप्टेबल फॉर्म, लेकिन अगर बीटा कैरोटीन फॉर्म में होता तो अच्छा होता क्योंकि वो बेटर अब्जॉर्ब होता है। ऑफकोर्स विटामिन ए जो एसिटेट है एक सिंथेटिक फॉर्म में है विथ लोअर बायो अवेलेबिलिटी कंपेयर टू रेटिनॉल जो कि एक एक्टिव फॉर्म है, और बीटा कैरोटीन जो कि एक नेचुरल प्रीकर्सर है। अगर मैं आरडीए की बात करूँ, रिक्वायरमेंट डेली अलाउंस की बात करूँ, तो अडल्ट मैन की जो रिक्वायरमेंट है वो है 900 mcg, जो कि अगर मैं इंटरनेशनल यूनिट्स में कन्वर्ट करूँ, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वो अराउंड 300 इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं। ये याद रखिए दोस्तों कि इंडिया में जो आरडीए है और विटामिन है, इट इज़ बेसिकली एक्सप्रेस्ड इन माइक्रोग्राम ऑफ रेटिनॉल एक्टिविटी इक्विवेलेंट, और इसके अंदर से आपको विटामिन ए जो है वो अराउंड 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स मिलने वाला है। सो आई वुड से मोर देन आपको आरडीए मिलने वाला है, तो आप डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें, ठीक है, क्योंकि विटामिन ए जो है वो ज़रा ज़्यादा है। अगर स्पेसिफिक नीड है तो इट्स ओके, अदरवाइज देर इज़ नो नीड ऑफ 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, ठीक है, डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करना। फिर नेक्स्ट मिथाइल कोबेलामिन है, जो कि बेसिकली विटामिन बी 12 है, विच इज़ गुड एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन बी 12 फॉर बेटर अब्जॉर्प्शन, सिंथेटिक फॉर्म है बट इट इज़ वेरी वेल अब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी। जो आर डी ए है विटामिन बी 12 का वो है 2.4 mcg पर डे। इस मल्टीविटामिन से हमें मिल रहा है 500 mcg, विच इज़ सिग्निफिकेंटली हायर दैन द आर डी ए ऑफ 2.4 mcg, लेकिन इट इज़ जनरली कंसिडर एज सेफ फॉर मोस्ट पीपल क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन बी 12, यानी जो भी एक्सेस अमाउंट है वो जनरली एक्सक्रीट हो जाएगा फ्रॉम योर यूरिन। फिर विटामिन डी जो है वो D3 फॉर्म में है, कोलिकोल्सिफ्लॉव, विच इज़ अगेन वेरी गुड, वेल अब्जॉर्ब बाय अवर बॉडी, दिस इज वॉट वी नीड। अराउंड 400 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन डी मिल रहा है इसमें से, विच इज़ क्लोज टू 100% ऑफ आर डी ए, आई थिंक 600 इंटरनेशनल यूनिट्स इज आर डी ए, सो इट इज़ गुड अमाउंट। फिर बायोटिन है इसके अंदर 150 microgram, विच सीम्स टू बी गुड डिसेंट अमाउंट। फिर विटामिन सी है एस्कॉर्बिक एसिड, एक कॉमन फॉर्म है, अराउंड 75 mg आपको मिलने वाला है। फिर विटामिन D3 है बेसिकली नाइसिन, जो कि आपको 50 mg मिलने वाला है, विच इज़ ट्रिपल द आर डी ए, यानी इसकी जो आर डी ए वो अराउंड 16 mg है पर डे फॉर एडल्ट मैन, ठीक है, तो इसका जो डोज है वो ज़रा ज़्यादा मिल रहा है आपको। सो प्लीज़ चेक विथ योर डॉक्टर, कंसल्ट करें आपके डॉक्टर के साथ में और फिर ही इस मल्टीविटामिन को कंज्यूम करें क्योंकि ये डोसेज ज़रा ज़्यादा।
है। फिर विटामिन ई है, इसके अंदर टोकोफिरॉल एसिटेट लिखा हुआ है, विच इज अ कॉमन फॉर्म, बट जनरली जो मिक्स टोकोफिरॉल होते हैं वो आई थिंक बेटर अब्सॉर्ब होते हैं, बट स्टिल इट्स ओके। लेकिन जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो कहा 25 मिलीग्राम ही मिल रहा है, विच इज बिट लेस, ठीक है। तो आपको विटामिन ई जो है वो दूसरे फूड सोर्सेज से ज़रूर लेने चाहिए, मैं फूड सोर्सेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर लूँगा, आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। फिर इसके अंदर विटामिन B2 आपको मिलने वाला है, रिबोफ्लेविन डोसेज जो है वो काइंड ऑफ एडिक्वेट अमाउंट मिल रहा है आपको इसमें से, विच इज़ 5 मिलीग्राम। फिर विटामिन B1 है थायमिन मोनोनाइट्रेट, विच इज़ अ गुड फॉर्म, वो भी आपको 5 मिलीग्राम मिल रहा है। फिर आपको फोलिक एसिड मिलने वाला है इसके अंदर से 1.5 मिलीग्राम, ठीक है, विच इज़ अराउंड 1500 mcg माइक्रोग्राम। नाउ फोलिक एसिड की भी जो RDA है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो है, वो अराउंड 400 से 500 mcg है, इसके अंदर से हमें 1500 mcg मिल रहे हैं, तो अगेन जो डोसेज है वो ज़रा ज़्यादा है। एज आई सेड, डू कंसल्ट योर डॉक्टर, क्योंकि इसकी जो डोसेज है वो ज़रा ज़्यादा है, अगर आपको नीड है स्पेसिफिक तो इट्स ओके, अदरवाइज इट इज़ बेटर कि आप हाई डोसेज ना ले। फिर विटामिन B6 है अंदर, जो कि एक कॉमन फॉर्म में दिया गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो मैग्नीशियम के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने काफ़ी सारे फॉर्म्स डिस्कस किए हुए हैं, सिट्रेट फॉर्म है, फिर ग्लाइसिनेट फॉर्म है, और कौन सा बेटर है कौन से सिचुएशन में वो मैंने मेंशन किया हुआ है। तो वो सिट्रेट फॉर्म, ग्लाइसिनेट फॉर्म बेटर है आई वुड से देन द फॉर्म दैट इज अवेलेबल इन दिस विच इज ऑक्साइड फॉर्म। फिर जिंक सल्फेट है इसके अंदर 55 मिलीग्राम, विच इज अ गुड फॉर्म। अगेन जो जिंक की RDA है वो अराउंड 17 मिलीग्राम है पर डे, इसके अंदर से आपको मिलने वाला है 55 मिलीग्राम, तो अगेन डोसेज ज़्यादा है जिंक का, ठीक है। तो डू कंसल्ट योर डॉक्टर, टॉक्सिसिटी नहीं होगी जैसे मैंने कहा दोस्तों, क्योंकि इसकी जो टॉलरेबल अपर यू नो इनटेक लेवल है, आई मीन जिंक की मैं बात कर रहा हूँ, वो अराउंड 40 मिलीग्राम पर डे है, तो आपको टॉक्सिसिटी नहीं होगी। बट अगर नीड नहीं है तो आई थिंक यानी इतना हाई अमाउंट लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि फूड के थ्रू भी हमें मिलने वाला है जिंक। फिर कॉपर सल्फेट है इसके अंदर, विच इज़ 2 मिलीग्राम, ये जो डोसेज है सीम्स एडिक्वेट फॉर मोस्ट पीपल। फिर क्रोमियम पिकोलिनेट है, विच इज़ अ वेल अब्जॉर्ब फॉर्म, जो डोसेज है इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल नीड्स, सो चेक विथ योर डॉक्टर, 250 माइक्रोग्राम आपको इसमें से मिलने वाला है। फिर सिलेनियम है, विच इज़ इन सोडियम सिलेनेट फॉर्म, इट इज़ अ कॉमन फॉर्म। फिर मैग्नीज सल्फेट मोनोहाइड्रेट है 5 मिलीग्राम, जो डोसेज है इट इज़ एडिक्वेट डोसेज। फिर एल ग्लूटामिक एसिड दिया हुआ है, विच इज़ बेसिकली एन अमीनो एसिड, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर प्रोटीन, लेकिन मल्टीविटामिन में जो जनरली जो अमाउंट होता है वो काफ़ी कम होता है, कुछ ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। आप अलग से एल ग्लूटामिक एसिड ले रहे हो या अमीनो एसिड ले रहे हो तो आपको हेल्प होगा, वरना यू नो मल्टीविटामिन में इसकी कोई ऐसी स्पेसिफिक ज़रूरत है नहीं, आपको ऑफकोर्स फूड के थ्रू भी ये मिल सकता है। इसके अंदर सिर्फ एक नेचुरली सोर्स चीज़ है, वो है ग्लूटामिक एसिड, विच इज़ सोर्स्ड थ्रू फर्मेंटेशन प्रोसेस। फिर आप स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों कुछ कलर्स, आर्टिफिशियल कलर्स इन्होंने इस्तेमाल किए हुए हैं, ब्लैक ऑक्साइड ऑफ आयन, रेड ऑक्साइड ऑफ आयन एंड येलो ऑक्साइड ऑफ आयन। तो ये बेसिकली सिंपली यू नो आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं मल्टीविटामिन में, जीरो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, और आर्टिफिशियल कलर से दोस्तों कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, आई वुड नॉट प्रिफर एनी आर्टिफिशियल कलर इन माय मल्टीविटामिन। और अगर नेचुरल कलर्स अवेलेबल है जैसे बीट रूट है, टर्मरिक कलर वगैरह है, ऐसे कंपनीज है जो नेचुरल कलर का इस्तेमाल करते हैं, तो आई वुड प्रिफर नेचुरल स्टफ देन एनी आर्टिफिशियल स्टफ इन माई मल्टीविटामिन। अगर मैं स्पेसिफिकली ब्लैक ऑक्साइड ऑफ आयन की बात करूँ तो इट इज़ बेसिकली ब्लैक पिगमेंट विच इज़ कॉमनली यूज इन कलरिंग प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक एंड पेंट्स। तो बेसिकली इसको मल्टीविटामिन में ऐड करने का एक ही पर्पज है, टू मेक इट विजुअली अपीलिंग, जो टेबलेट है वो जरा ना दिखने में अच्छा लगे, इसलिए इसको ये कलर्स को ऐड किया जाता है। फिर थर्ड क्वेश्चन मैंने पूछा, कैन यू शेयर द लैब रिपोर्ट एंड हैवी मेटल रिपोर्ट फॉर द लेटेस्ट बैच। कंपनी का रिप्लाई था, दिस डेटा इज कॉन्फिडेंशियल एंड हेंस वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट इट कैन नॉट बी शेयर्ड। ना दूसरी कंपनी से दोस्तों जो लैब रिपोर्ट शेयर करती है ऑफ देयर लेटेस्ट बैच, इनफैक्ट वेबसाइट पे भी अवेलेबल होता है उनके, या तो फिर COA सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस जो है वो तो एटलीस्ट शेयर करती है, विच इज़ मेंट फॉर कस्टमर्स, ठीक है। लेकिन इस कंपनी ने शेयर नहीं किया बिकॉज इट्स बेसिकली फार्मास्यूटिकल कंपनी, ठीक है, तो इन्होंने शेयर नहीं किया। और इसका जो लैब रिपोर्ट अगर मुझे इंडिविजुअली कराना है तो ऑफकोर्स ज़रा यू नो कॉस्टली होगा, क्योंकि हर एक पैरामीटर, हर एक विटामिन्स और मिनरल्स मुझे चेक करने हैं, विच आर कॉल्ड एज पैरामीटर्स, ठीक है। आई विल सी इफ़ आई एम एबल टू इन फ्यूचर। बट ऐसे दूसरे यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर है दोस्तों, आप सबको ऑलरेडी बता हुआ है, राइट, और आई थिंक उन्होंने किया हुआ है इसका लैब टेस्ट, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो।
अगर मुझे पॉसिबल हुआ तो आई वुड डू इट। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे भी चेक करना चाहिए, इसका लैब रिपोर्ट करवाना चाहिए, तो मुझे कमेंट कर सकते हो एंड देन आई विल सी इन योर फ्यूचर इफ़ आई एम एबल टू। तो दोस्तों, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, अभी आपका डिसीजन है आपको कंज्यूम करना है या नहीं है। अगर कुछ क्वेश्चन है स्पेसिफिकली मेरे लिए तो डेफिनेटली डू रिमेंबर टू पुट दोस क्वेश्चंस एंड फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक कीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स, आई विल सी यू ऑल विद माय नेक्स्ट वीडियो सून एंड देन गुड बाय, टेक केयर, चीयर्स, बाय एंड डू सम एक्सरसाइजेस एट होम, टेक केयर।